शौर्य का अब तक का सबसे डर्टी प्लान जो कि वो कर रहा है पलकी के लिए, पलकी को सबक सिखाने के लिए बहुत ही गंदा जो है वो प्लान करता नजर आ रहा है, साजिश करता नजर आ रहा है शौर्य। हालांकि शौर्य का जो फ्रेंड है वो उसे समझा रहा है कि तुझे पता है इससे पलकी की जिंदगी खराब हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शौर्य जो है वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ वो दोस्त लगातार शौर्य को समझा रहा है कि उसकी शादी भी टूट जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर शौर्य कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ अपना रिवेंज लेना है और वो मैं लेकर रहूंगा। और तभी यहाँ पर एक वैन आती है और वैन रुकती है और उस वैन से बहुत ही खतरनाक गुंडे निकलते हैं और इन गुंडों को कुछ इस तरह से शौर्य पैसे देता है, बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि काम हो जाएगा ना, जिसके बाद वो गुंडे बोलते हैं बस हो जाएगा। और फिर ये गुंडे जो है आप देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं और इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से किडनैपिंग एंड कुछ तो ऐसी चीज़ करने वाला है शौर्य, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सब कहेंगे कि शौर्य जो है वो सच में बहुत बिगड़ैल हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि राजवीर कैसे शौर्य के निरादों पर पानी फेरेगा और किस तरीके से पलकी बचेगी, क्योंकि अब जो है काफी साजिश करता नजर आ रहा है शौर्य। वेल आप देख रहे हैं कि शौर्य ने पूरी प्लानिंग कर ली है और वैन आ चुकी है और अब एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहा है शौर्य पलकी के अगेंस्ट। अब पलकी किस तरह से बचने वाली है, इधर पलकी की शादी की तैयारियां हो रही हैं और इधर इस बात से बेफिक्र है पलकी। इसी के साथ साथ आप देखने वाले हैं कि राजवीर किस तरह से पलकी को बचाने वाला है। अब यहीं पर कहानी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी, जहां पर आप देखेंगे कि शायद इस दौरान ही जब ये एंगेजमेंट वगैरह हो रही है तो यहीं पर पलकी जो है वो किडनैप हो जाएगी और फिर पलकी के साथ कुछ बुरा होने की कोशिश करने वाला है शौर्य, और इसी बीच जो है वो राजवीर पहुंचेगा और पलकी को बचाता नजर आएगा। और इसी के साथ साथ जब यहाँ पर पलकी पहुंचेगी तो सभी उसे देखकर काफ़ी हैरान होने वाले हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि सभी जो है काफ़ी नाराज़ होने वाले हैं। और इसके बाद जो है पलकी की माँ नाराज़ होने वाली है और इसी के साथ साथ जो पलकी के पापा हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं कि पलकी की जान बच गई और जिस तरीके से सिचुएशन हुई है और राजवीर उन गुंडों से पलकी को बचा कर लेकर आया है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और राजवीर को ये तुरंत शक हो जाएगा कि ये किसी और ने नहीं बल्कि ये भी शौर्य ने ही किया है। वो समझ जाएगा कि ये सारी हरकतें शौर्य कर रहा है और इसके बाद फिर वो शौर्य को मज़ा चखाने की कोशिश करेगा। बार बार शौर्य की ये हरकत जो है वो बहुत ही परेशान करेगी करण को और उसी के साथ साथ यहां पर निधि के ऊपर भी बड़े सारे सवाल उठेंगे। अब जल्द से जल्द आप कुंडली भाग्य में चीजों को शॉर्ट आउट होते देखेंगे, फिर चाहे वो प्रीता की याददाश्त वापस आना हो, करण और प्रीता का मिलना हो या फिर निधि की सच्चाई सबके सामने आनी हो, ये सारी चीजें जो है वो एक एक करके आप सबके सामने आएंगी। लेकिन इसी बीच जो सबसे खौफनाक इरादे हैं शौर्य के वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से शौर्य एकदम नेगेटिव नजर आ रहा है उसे देखकर फैंस को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि प्रीता और शौर्य की बॉन्डिंग दिखाई जाए और शौर्य जो है प्रीता के साथ रहकर अब सुधर जाए और प्रीता का सच जो है वो शौर्य को पता चले कि प्रीता उसकी माँ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि शौर्य अपने इस खतरनाक इरादे में कामयाब हो पाता है या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।